हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज जाते हैं हम पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 12 से चैप्टर 5 पीस एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ये आंसर्स थोड़े से लॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीस, पीस यानी शांति क्या होती है। आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जो पीस है उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो पीस क्या होती है, पीस एक अवस्था है, स्टेट यानी अवस्था है ट्रैंक्विलिटी की। ट्रैंक्विलिटी मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपने आप को शांत रखते हैं। हार्मनी अगेन सेम चीज, शांत रखना, या हम कह सकते हैं एब्सेंस वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट का। पीस जब चारों तरफ शांति होती है तो उसका मतलब क्या है, हर चीज बहुत ही काम है, क्वाइट है, कहीं पर भी कोई भी लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं हो रहा। ये एक ऐसी डिजायरेबल कंडीशन है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। अब वो चाहे इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, या फिर नेशन हो सकता है। पीस जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसमें इंसान का खुद का एक अपना दिमागी तौर पर शांत होना बहुत जरूरी है, वो भी इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ सामाजिक तौर पे शांति बनी रहे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और नेशन के बीच में, ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है पीस का, ये सब्जेक्ट रहा है बहुत ज्यादा डिस्कशन का। डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं अलग अलग फील्ड्स में इस पीस के कॉन्सेप्ट को लेकर। इसमें फिलोसफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पीस सबकी स्टडीज जो है वो शामिल है। एक तरीका ऐसा जिससे हम पीस को समझ सकते हैं वो है उसके अलग अलग डायमेंशंस जो हैं उनको एक बार एग्जामिन करें, एक बार उनको जांचें। फिर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस होता है जिसमें वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों का ही बिल्कुल भी प्रेजेंस ना हो, यानी एब्सेंस होने। पॉजिटिव पीस क्या हुआ, पॉजिटिव पीस हुआ कोई भी जो सोशल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, क्रिएट करना, ताकि जो भी वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट होती है सबसे पहले जगह पे उसको जो है वो रोक सके, ऐसी नौबत ही ना आने दे कि कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा हो। पॉजिटिव पीस हुआ ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन का क्रिएट करना जिससे वो जो है सबसे पहले वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट होने वाली जो एक पॉसिबिलिटीज हैं उनको वो रोक सके। फिर आता है कल्चरल पीस। कल्चरल पीस मतलब हुआ प्रमोशन करना आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का, रिस्पेक्ट का, भले ही वो अलग अलग कल्चर हो, रिलीजन हो, सबके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को इसको प्रमोट करने के लिए कल्चरल पीस हो। पर्सनल पीस, अब पर्सनल पीस क्या हुआ, हमारी अपनी अंदरूनी अवस्था में हम अपने आप को काम रखें, क्वाइट रखें, शांत रखें, जो इंडिविजुअल्स खुद एक्सपीरियंस कर सकते। कुछ जो मेन की फैक्टर्स हैं जो पीस को एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें आता है एजुकेशन। आप पढ़े लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उस बातें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप बढ़बड़ाएंगे नहीं। सामाजिक तौर पे न्याय होना, आर्थिक तौर पे उन्नति होना, डेवलपमेंट होना, विकास होना, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना और डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस के प्रमोशन के, ये कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी वॉर को जस्टिफाई करने की। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट वॉर थ्योरी का, ये बताता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको की जैसे पूरा करना जरूरी है ताकि हम जो यूज है मिलिट्री फोर्स या वॉर का उसको सही तौर पे जस्टिफाई करना है। अब ये कंडीशंस क्या, पहला है जस्ट कॉज, एक वाजिब रीजन होना चाहिए, लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए कि आप वॉर पर क्यों जा रहे हैं, जैसे क्या सेल्फ डिफेंस के लिए या दूसरों को बचाने के लिए, जहां पर उनको एकदम से नुकसान होने का खतरा है तो आप उनको अपने आप को या उनको बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस, आपके पास एक तर्क है कि हाँ इसलिए वॉर में जा रहे हैं। दूसरा है राइट इंटेंशन, आपकी जो मंशा है वॉर में जाने की वो नैतिक तौर पर भी जस्टिफाइबल होनी चाहिए, और जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका वो ये है कि हाँ शांति और पीस जो है न्याय बना रहे या उसको बहाल करने के लिए आप जो है
वॉर में जा रहे हैं, इसलिए आपकी ये मंशा है। लास्ट रिजॉर्ट, वॉर जो है सबसे आखिरी हमारा एक तरह से वो होना चाहिए कि भाई कुछ और चारा नहीं बचा, तो हमारे पास अल्टीमेट बचता है ऑप्शन युद्ध का। और जब सारे के सारे जितने भी पीसफुल मीन्स हैं कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के अब वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तब जाके युद्ध जो है वो फाइनली होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी, जो फोर्स इस्तेमाल किया जाता है वॉर में वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि जो इनिशियल हमारा एग्रेशन है, हमारा ये जो तेजना है, इसके कारण जो हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए जो है वॉर बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए जितना हमारा नुकसान हुआ है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की क्या है, रीजनेबल चांसेस होते हैं सक्सेस के, कि हम जो है अगर जो सही कॉज है या जो राइट इंटेंशन है वॉर की उसको हासिल कर लें, तो हाँ हमें वॉर में जो है सक्सेस मिल सकती है। लेजिटिमेट अथॉरिटी, वॉर जो है वो ऑथोराइज करा जाना चाहिए, और सिर्फ जो लीगल अथॉरिटीज हैं, लेजिटिमेट अथॉरिटीज हैं, उन्हीं के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको कराना भी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में। तो बहुत जरूरी है ये कंडीशन जो कि एक तरह से इंटरप्रिटेशन या डिबेट के लिए करी जाती है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट्स के, इनके अलग अलग व्यूज होते हैं, क्या एक जस्ट वॉर जो है उसके कौन सी कंडीशंस जो है वो वाजिब है। इसके अलावा कुछ तर्क ऐसे होते हैं कि वॉर को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, जैसे डिप्लोमेसी है, नेगोशिएशन है, इन सबको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। अब वॉर तो जैसे कोई नहीं चाहता, जहां तक हो सके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है, इन्हीं चीजों से आगे बढ़ा जाता है कि जब तक हो सके युद्ध को टाला जा सके उसको टाला जाएगा। फिर कभी भी किसी को फायदा नहीं होता है, उल्टा दोनों तरफ ही नुकसान होता है। अब आता है डिसआर्मामेंट क्या, आपको आर्मर डिसआर्मामेंट बताना है रेफरेंस टू पीस। डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ कमी आना या खत्म होना मिलिट्री वेपन्स का, इक्विपमेंट्स का, या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो मेन की कंपोनेंट्स देखे जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, उसके लिए जो कोशिशें होती हैं उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो है हमारा डिसआर्मामेंट, क्योंकि यही हमें मदद कर सकता है जो रिस्क है कॉन्फ्लिक्ट का उसको कम करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल और पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। अब डिसआर्मामेंट में कई फॉर्म्स हो सकती है, यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है, मल्टीलेटरल हो सकती है, इन सब स्टेप्स को उठाना चाहिए ताकि मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कम किया जाए, आर्म कंट्रोल के एग्रीमेंट्स हो, ट्रीटीज यानी संधियां हो, ताकि कुछ तरीके के जो वेपन्स हैं उनको बैन किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी था, मेन एम था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको, जो उनका स्प्रेड हो रहा है उसको रोकना और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना। डिसआर्मामेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंस है वेपन्स की, या जो एक वायलेंस यानी जो लड़ाई झगड़ा है उसका जो खतरा है, वो खास तौर से एक मेजर ऑब्स्टिकल, एक बाधा के तौर पे होता है हमारे को पीस को हासिल करने। इसीलिए कहते हैं कि पीस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड डिसआर्मामेंट से, क्योंकि ये जो खतरा है, ये जो प्रेजेंस है वेपन्स की, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं पीस को हासिल करने। अगर हम जो नंबर्स हैं या टाइप्स हैं वेपन्स के, उनकी संख्या कम कर दें सर्कुलेशन में, यानी कि जो इधर उधर इतने ज्यादा एक दूसरे को स्प्रेड हो रहे हैं उनका अगर सर्कुलेशन कम कर दिया जाए, तो डिसआर्मामेंट बहुत मदद कर सकता है जो रिस्क है कॉन्फ्लिक्ट का जो है उसको कम करने के लिए, साथ ही साथ एक बहुत ही स्टेबल और पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने में मदद करेगी। ये साथ ही साथ हमारे उन रिसोर्सेज को भी फ्री करता है जिनको हम दोबारा से रीडायरेक्ट कर सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे और ज्यादा पीस और स्टेबिलिटी को योगदान मिलेगा। पर ये जो डिसआर्मामेंट है ये इतना आसान या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, कि इसको भी जो है बहुत सारे नेशंस जो हैं
उनके कोऑपरेशन सहयोग की जरूरत होती है, साथ ही साथ जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें भी निगोसिएशन की जरूरत होती है। साथ ही साथ कुछ नेशंस ऐसे भी होते हैं जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को छोड़ने को तैयार होने नहीं होते, उसमें झिझकते हैं, या कुछ कंसर्न्स उनके ऐसे होते हैं अपनी खुद की सिक्योरिटी को लेकर जिससे वो नहीं करना चाहते, या फिर जो उनके इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं उसके नतीजे के कारण जो है ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। तो कह सकते हैं जहां डिसआर्ममेंट एकदम से एनासिया नहीं माना जा सकता, पीस को अचीव करने के लिए अल्टीमेट एक सोर्स नहीं माना जा सकता, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जा सकता है अगर हम अपनी पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इसे एक बहुत ही वाइड स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जो रिस्क है कॉन्फ्लिक्ट का उसको रिड्यूस करें, स्टेबिलिटी को प्रमोट करें, तो डिसआर्ममेंट बहुत हेल्प करेगा ऐसी कंडीशन को क्रिएट करने में जो बहुत ही जरूरी है सस्टेनेबल पीस और डेवलपमेंट के। फिर आता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको बताना है मीनिंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिफर करता है उस प्रोसेस को जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस किसी भी सोसाइटी के अंदर, जिसमें हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है या जो कम्युनिटी है उसकी जो बेहतरी है उसमें और ज्यादा बेहतर कर पाए, भलाई में बेहतरी कर पाए। इसमें दोनों ही चीजें आती हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि इम्प्रूवमेंट इनकम में, एजुकेशन में, हेल्थ में, साथ ही साथ क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे कि आपका फ्रीडम ज्यादा मिलना, ह्यूमन राइट्स या फिर सामाजिक तौर पे न्याय। जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का ये जैसे कहते हैं ये बहुत पहले से इवॉल्व हुआ है, लेकिन इसमें ये जो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे अलग अलग थ्योरी आई, थ्योरिस्ट आए, ऑर्गेनाइजेशंस आई, इन्होंने इसी की प्रोसेस जो है उसके अलग अलग पहलुओं पे जोर दिया। तो की फीचर जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के हैं उसमें आते हैं सबसे पहले ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का हमेशा से जुड़ाव जो है एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस के, क्योंकि उसको जो है एक मेजर करने का तरीका है जीडीपी कितनी है, इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे उसको जज किया जाता है, ये मेजर किया जाता है। ह्यूमन वेलबींग डेवलपमेंट जो है मेनली क्या है, इम्प्रूविंग जो वेलबींग है इंडिविजुअल्स की या कम्युनिटी की, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में या और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनमें। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें वो बैलेंस बना के चले इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ और साथ साथ सोशल जस्टिस के। पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट डेवलपमेंट में जो है इन्वॉल्व होना चाहिए पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट इंडिविजुअल्स का और कम्युनिटी, पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले, एम्पावरमेंट सशक्त हो, साथ ही साथ उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने खुद के फ्यूचर्स को शेप कर पाए, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें योगदान दे पाए। क्वालिटी एंड जस्टिस डेवलपमेंट जो है हमेशा प्रमोट करता है इक्वालिटी और सोशल के लिए, वो रिड्यूस कर सकता है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, इसमें वो प्रमोट करेगा ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को और रिड्यूस करेगा डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट जो है उसको इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रमोट करना चाहिए। इस इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा पॉवर्टी को, गरीबी को, असमानता को, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकता है, साथ ही साथ जो एक भेदभाव होता है जो लोग हाशिए पे उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको रिड्यूस कर पाए। तो कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है और बहुत सारी इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं हासिल कर। कुछ की स्ट्रैटेजीज जो है उसमें आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के थ्रू, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिमोक्रेटाइजेशन और ह्यूमन राइट्स के थ्रू। तो मेन गोल है डेवलपमेंट का वो क्रिएट करना है एक बहुत ही जस्ट, सस्टेनेबल और प्रॉस्परस दुनिया पूरी सबके लिए। अब आता है कंपेयर आपको करने हैं थॉट्स गांधी जी के और कार्ल मार्क्स के विद रेफरेंस टू। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के अलग अलग विचार थे, अब उन्होंने कैसे उनको
हासिल करना है उसको दोनों चीजों को लेकर इनके अलग अलग विचार। गांधी जी विश्वास करते थे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में, मतलब अहिंसा में। एक जरिया मानते थे पीस और जस्टिस को हासिल करने का कि हमें अहिंसावादी होना। वो वकालत करते थे नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए, असहयोग करिए ऐसी लॉज का जो आपके साथ न्यायपूर्ण नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस चैलेंज करने के लिए अथॉरिटी जो कॉलोनियल पावर्स की थी उनको, उनका मानना था कि पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो बदलाव ला सकता है बिना हिंसा किए, और सबसे इफेक्टिव मीन्स माना जा सकता है वो हासिल करने। वही दूसरी तरफ मार्क्स जो थे उनका मानना था पीस जो है वो हासिल किया जा सकता है जब हम कैपिटलिज्म को हटा कर फेंक दें या एस्टैब्लिश करें एक ऐसी जो सोशल सामाजिक सोसाइटी जो होती है उसको जो है हम एस्टैब्लिश करें। वो देखते थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल क्लासेस के बीच में वो मेन प्राइमरी ड्राइवर माना जाता है सोशल चेंज का, और उनका मानना था कि जो वर्किंग क्लास है उसको उठ खड़े होना चाहिए जो भी रूलिंग क्लास है उसके अगेंस्ट, ताकि एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी बनाई जा सके। जहां इनकी जो अप्रोचेस थी पीस को हासिल करने की वो अलग थी, वहीं दोनों कार्ल मार्क्स और गांधी जी मानते थे कि जो इम्पोर्टेंस है सोशल जस्टिस की वो क्या है और इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है एक पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने में। गांधी जी मानते थे कि पीस जो है वो तभी हासिल किया जा सकता है जब अन्याय का खात्मा हो और प्रमोशन हो सोशल इक्वालिटी का। मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म को हटाओ, पूंजीवाद को, वो एक मेन कंडीशन मानते थे, प्री कंडीशन पीस को हासिल करने की। तो समरी में अगर हम कहें ओवरऑल ये कह सकते हैं गांधी जी ने जोर दिया इम्पोर्टेंस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का और सिविल डिसोबीडियंस का, कि मार्क्स ने फोकस किया सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। दोनों ही ये कहते थे कि जो इम्पोर्टेंस है सोशल जस्टिस की और इक्वालिटी की बहुत जरूरी है पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने में, लेकिन दोनों के ही विचार बिल्कुल अलग गोल को हासिल कर। ये हमारा जो है पहला सेक्शन था जिसको विदा आंसर। अब आता है राइट शॉर्ट नोट्स, ये छोटे छोटे आपको एक नोट्स बतानी है कॉन्सेप्ट पीस का क्या है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। कॉन्सेप्ट जो है पीस का वो रेफर करता है अवस्था जो कामनेस की है, हारमोनी की है, इसमें वायलेंस नहीं है और लड़ाई झगड़ा या मतलब। इसको हासिल किया जाता है अलग अलग जैसे डिप्लोमेसी, एसोसिएशन, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। पीस दोनों तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल भी, में आपका पर्सनल पीस ऑफ माइंड भी इन्वॉल्व है, और सोशल पीस इंडिविजुअल ग्रुप्स या नेशंस की। तो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर देखा जाता है या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ह्यूमन प्रोग्रेस है के लिए प्रीरिक्विजिट के फॉर्म पे देखा जाता है। क्या है डिसआर्ममेंट? डिसआर्ममेंट क्योंकि हम ये चीज अभी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पेस में चल रहा हूँ। डिसआर्ममेंट का मतलब हुआ रिडक्शन या एलिमिनेशन आत्मा का या मिलिट्री फोर्सेस। इसको मेनली परस्यू किया जाता है ताकि पीस को, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पे प्रमोट की जा सके। डिसआर्ममेंट में अलग अलग मेजर्स इन्वॉल्व है जैसे आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, डीमिलिट्राइजेशन है अलग कुछ कुछ एरियाज का। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है कॉन्सेप्ट है नॉन प्रोलिफेरेशन का। इसका मेन एम क्या होता है? स्प्रेड जो न्यूक्लियर केमिकल या जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको रोकना। तो डिसआर्ममेंट एक की कॉम्पोनेंट है इंटरनेशनल लॉ का, और इसको प्रमोट किया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा या और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। अब इसके बाद जो थर्ड है वर्ल्ड पीस, ये करते हैं अगले वीडियो में।